हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ कुछ दिल की बात कहने के लिए। वैसे तो आज कोई खास अपडेट है नहीं और ना मैंने अभी तक देखा है, आपको फ्रेंकली बताऊँ तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत पिछले दिनों से माहौल थोड़ा ठीक मुझे नहीं लग रहा है, और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल को, क्यों मैं मतलब आपके सामने इस तरह से आज ये बात रखने जा रहा हूँ। देखिए, मैं क्या कर रहा था आज तक, मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर रहा था, आप लोगों को गाइड कर रहा था, आप लोगों को काम को सही तरीके से करने की डायरेक्शंस दे रहा था। लेकिन ऐसे में हो ये रहा है कि इससे उल्टा सारा माहौल चला हुआ है कि हम PhD के स्टूडेंट्स हैं, और जनरली जो मेरा फोकस ग्रुप है वो या तो PG के स्टूडेंट्स हैं या फिर PhD के स्टूडेंट्स हैं, MPhil के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं बेसिकली। और मेरे मेजोरिटी ऑफ द जो सब्सक्राइबर्स हैं और मेजोरिटी ऑफ द व्यूअर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हायर एजुकेशन से इन्वॉल्व्ड स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं। लेकिन मैं बात करूंगा, मेजर जो प्रोपोर्शन है इस पॉपुलेशन का, इस व्यूअर्स के जो पोर्शन है वो स्टूडेंट्स का। तो ऐसे स्टूडेंट जो या तो PG कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं या अपनी PhD कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड मैं उनको रेगुलर अपडेट देता हूं। लेकिन वो क्या रहा है, उस अपडेट को वो ध्यान से देखते नहीं हैं या फिर समझते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप देखिए मेरी वीडियो, जरूरी नहीं है देखना। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शायद अपडेट कर रहे होंगे, आपको डायरेक्शंस दे रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन आधा अधूरा ज्ञान लेकर के देखते हैं। जब भी किसी बात को समझना है तो पूरी तरह से उसको समझो, डेप्थ में समझानो जानो उसको, और समझाने वाला जो आपको समझाना चाह रहा है उसको उसको मतलब उसको एग्जीक्यूट करो कि ये आदमी बोलना क्या चाह रहा है। अब मुझे क्वायरीज ऐसी आ रही हैं, ना केवल कमेंट्स की बात करूंगा, मैं यहाँ कमेंट्स की बात नहीं करूंगा आज की डेट में। मैं आज आपको बताऊं कि जो मुझे डेली फोन्स आते हैं, कॉल्स आती हैं, उनमें इतनी बेहुदा क्वायरीज आ रही हैं कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि ये लोग जो है MPhil और PhD के स्टूडेंट हैं, किसी यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, और ऐसी क्वायरी जनरेट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती उन लोगों से। आपको पासवर्ड बनाने नहीं आ रहा है, जबकि मैं स्क्रीन पे बता रहा हूं कि पासवर्ड ऐसे बनाया जाता है, ये पासवर्ड बनाने का तरीका है, UGC ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें गाइडलाइंस में लिखा कि क्या तरीका है पासवर्ड बनाने का, फिर भी आपको पासवर्ड क्रिएट करने नहीं आ रहा है। और बाद में मुझे कॉल करके कह रहे हैं आप लोग कि आप डाउनलोड करके दे दो लेटर, आवार लेटर मैं डाउनलोड करके दे दूं आपको। मैं तो डाउनलोड कर दूंगा, लेकिन आप सोचिए अगर मैं आपका काम करने लग जाऊं तो मुझे तो आप लोगों ने अपना क्लर्क बना लिया, और अगर आपका क्लर्क मैं बन जाऊं मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें बनने की। लेकिन बात यह है कि इससे क्या आपका स्टैंडर्ड जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है? आप MPhil PhD के स्टूडेंट हो और आपको एक पासवर्ड क्रिएट नहीं करने आ रहा है, आप अपने काम को दूसरों के ऊपर थोप रहे हो और बोल रहे हो कि आप हमारा काम करके दे दो, तो क्या ये जायज बात है? ऐसा होना चाहिए? और इस जो UGC ने आपको ये अवार्ड लेटर इशू किए हैं, आपको इस काबिल समझा है कि ये आदमी MPhil या PhD करेगा और अपनी अच्छी रिसर्च करेगा जिससे सोसाइटी को कुछ फायदा होने वाला है? और मुझे लग रहा है कि वो UGC बहुत बड़ी गलती कर रहा है इस हिसाब से, खासकर उन लोगों के लिए जिनको ये इतने छोटे छोटे काम करने नहीं आ रहे हैं। आपको मैं लिंक्स दे रहा हूँ, वहां पे बता रहा हूँ कि इस लिंक से जाकर के आप साइट से जाकर के डाउनलोड कर लो किसी चीज को, कोई एनेक्सर नहीं मिल रहा, ये लिंक है वहां से डाउनलोड करके कर लो। लेकिन बावजूद उसके आप बोलो कि आप डाउनलोड करके हमें दे दो, आपको स्पून फीडिंग चाहिए PhD लेवल पे, MPhil लेवल पे, इस लेवल पे आपको स्पून फीडिंग चाहिए? ओ माय गॉड, मैं मतलब मेरा तो बहुत हेक्टिक हो चुका है आज की डेट में, मैं परेशान हो चुका हूँ इंक्वायरीज को देखते हुए। और PhD लेवल के स्टूडेंट्स ऐसी इंक्वायरी कर रहे हैं जिनकी एज लगभग 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल या 30 साल के आसपास है। ऐसे लोग जिनकी अपनी फैमिलीज होंगी, जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाने वाले होंगे, तो वो लोग आगे चल करके क्या करेंगे? मुझे तो ये सोच करके मतलब बड़ा हैरानी हो रहा है, शॉकिंग मतलब मेरा माहौल हो चुका है आज की डेट में, मुझे बहुत शॉक लग रहा है कि इस हिसाब से तो पूरी समाज का, सोसाइटी का मतलब बेड़ा गर्क कर देंगे आप लोग। क्या करेंगे क्या इस हिसाब से? अगर PhD कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? और ये छोटी छोटी एनेक्जर तक भरने नहीं आ रहे आप लोगों को यार, कि एनेक्जर में कौन सी चीज कैसे भरी जाएगी, उसमें खाली इंफॉर्मेशन इनपुट करना है, आपको एनेक्जर्स का मतलब समझ नहीं आ रहा है, उनमें जो चीजें लिखी गई उनके लॉजिक समझ नहीं आ रही, उसका मतलब क्या है, ये चीजें लगाई क्यों जा रही है, क्यों UGC मुझसे चीज मांग रहा है?
आपका जो क्लर्क है आपके यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन में, उसको काम नहीं कर रहे आ रहा है, आप मुझे फोन कर रहे हो कि सर उसको काम करने नहीं आ रहा है, उसके इमीडिएट बॉस को बताइए कि उसको काम नहीं करने आ रहा है। आपका काम नहीं, यूजीसी आपको फेलोशिप जारी कर रहा है और उसको देने से कोई कैसे इनकार कर सकता है? आपके इंस्टीट्यूशन के आदमी को अगर काम करने नहीं आता है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनता है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़े और उसको समझाएं कि ये काम ऐसे तरीके से होता है, ना कि आप जो है इधर उधर हाथ पैर मारे, इधर उधर लोगों को परेशान करिए। आप खुद समझिए चीजों को, और कोई बड़ी बात नहीं, इतना डरने वाली बात होती नहीं है। पीएचडी लेवल पे आप एक क्लर्क से, मतलब क्लर्क की बात को वो कर रहे हो, तवज्जो ज्यादा दे रहे हो कि क्लर्क बोल रहा है कि नहीं होगा, क्लर्क बोल रहा है कि हमारे यहाँ नहीं होता है, क्लर्क बोल रहा है ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। जब यूजीसी अपने साइंस, यूजीसी का सेक्रेटरी साइंस सील करके अवार्ड लेटर में सब कुछ लिख रहा है, उसमें यूजीसी का लेटर हेड लगा हुआ है, यूजीसी के उसमें लोगो लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको पब्लिश करके दे रहा है यूजीसी, और क्लर्क बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है। ऑल दो ही इज द एम्प्लॉय ऑफ यूजीसी, बन वो क्लर्क यूजीसी का एम्प्लॉय है, और आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हो पा रहा है सर, हम क्या करें सर, ऐसा नहीं कर सकते सर। तो ये बहुत इररिलेवेंट सी चीजें हैं यार। आप पीएचडी लेवल के, एक डॉक्टरेट कर रहा आदमी, उसको एक प्लस टू पास या ग्रेजुएट क्लर्क जो है वो हड़का करके भगा रहा है, और वो भाग के आ रहा है, क्या हो क्या रहा है? और इसी जो ये हमारी मानसिकता है, जो हमारा ये मेंटेलिटी है, जो हमारा चाल चलन है, हमारे तौर तरीके हैं काम ना करने का, काम नहीं करवा पाने का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझने का, अपना काम दूसरों पे थोपने का, उस हिसाब से मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो जो सुप्रीम एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टरेट, हम डॉक्टरेट सबसे बड़ी डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उस डिग्री में उस उतनी काबिलियत नहीं है हमारे रिसर्चर्स की। क्यों? क्योंकि उनको काम करना पसंद ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करिए, समझिए अपने स्टैंडर्ड को, समझिए अपने लेवल को, समझिए और उस लेवल की बात करिए यार। एक पीएचडी लेवल का आदमी एक ऐसा बचकाना क्वेश्चन कर रहा है, आप प्लस वन टू या छोटा बच्चा जो होता है उसको भी कंप्यूटर का और मोबाइल फोन का बहुत सारा नॉलेज है, वो भी थोड़ा बहुत मोबाइल फोन चला करके कहीं ना कहीं से लॉजिक ढूंढ करके निकाल करके दे ही देता है कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, यहाँ जाओ गूगल पे क्या नहीं मिलता है, गूगल तक नहीं कर पा रहे आप लोग यार। मतलब हर एक छोटी सी चीज के लिए भी आपको डायरेक्शन चाहिए। कैसी कैसी सोसाइटी बना रहे हैं हम लोग, कैसा हम एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं, कैसे हम मतलब स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे, हम क्या बोलेंगे वो हमारे स्टूडेंट्स, ऐसा टीचर जिसके स्टूडेंट को जिसके ऐसा स्टूडेंट जिसका टीचर उसको टीचर को ही पासवर्ड क्रिएट करना नहीं आ रहा है, अपना फॉर्म डाउनलोड नहीं करना आ रहा है, अपना फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, अपने एनेक्जर्स कहाँ मिलेंगे वो नहीं ढूंढ पा रहा है, यूजीसी की साइट से नंबर तक नहीं निकाल पा रहा है आदमी, और पूछ रहा है कि किसको संपर्क करूं, तो हम कह रहे हैं कि यूजीसी को संपर्क करिए जी, यूजीसी आपको सही सलाह देगा और आपके काम को मतलब निकालेगा। तो बोले सर नंबर दे दो आप, आपके यूजीसी की साइट पे नंबर भरे पड़े हैं यार। यूजीसी, अगर आपका यूजीसी का नंबर इंगेज जा रहा है, हो सकता है वो बिजी हो, थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, लेकिन हाथ पे पका पकाया चीज कब तक ढूंढेंगे हम लोग, क्या हो क्या रहा है इस पीएचडी लेवल का। तो माफी चाहूंगा अगर आप लोगों को गलत लगा हो, लेकिन मुझे लगा ये बोलना चाहिए आप लोगों को। और अगर यही हाल रहा, मेरा जो मकसद था वो ये था कि सब लोगों को जानकारी मिले और उससे डायरेक्शन मिले, और लोग उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है अपना काम निकाले। मतलब 10% मैं आपको थोड़ा हेल्प करूं, 90% एफर्ट आप लगाएं, लेकिन यहाँ तो उल्टा होने जा रहा है कि 10% एफर्ट जो है वो आप लोग लगा पा रहे हैं और 90% एफर्ट मुझे लगाने पड़ रहे हैं। मैं तंग नहीं आ रहा हूँ, लेकिन यही हाल हो रहा तो हो सकता है कि मुझे ये बंद करना पड़े, और आने वाली जनरेशन को जितना मैं हेल्प आउट करना चाह रहा था उतना ना कर पाऊं। तो मैं तो अपना ये जो है एक सोशल वेलफेयर के लिए स्टार्ट किया था, ताकि बाकी लोगों को पता चले इन चीजों का, लेकिन आई डोंट नो इसका फ्यूचर क्या होगा, और आप लोगों का तो आप जानिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।